मेरा शुक्रवार मेरा शुक्रवार भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। व्यक्ति को पीता ठीक है, पहले व्यक्ति शराब को पीता है और फिर शराब व्यक्ति को पीना शुरू कर देती है। उसके फेफड़े गलते हैं, उसकी आंतें गलती हैं, उसका दिमाग खराब होता है, वो निर्णय नहीं ले पाता है, अपना परिवार नहीं चला पाता है, अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाता है। तो इस तरह से शराब फिर उसको पीना शुरू कर देती है। फिर वो व्यक्ति चाहता है कि ये छूट जाए। अब किसी मेहमान को आपने घर में बुलाया और कल को भाग जाए। खाते हैं, कहने खाते हैं, सुपारी खाते हैं, कोई हमें बताए कि आज तक हमारा उससे इतना फायदा हुआ है या इतना पैसा बचा है, कोई बता सकता है? हम आपको जल्द बताएंगे। बहन जी कह रही थी इस गांव का नाम है क्या क्या जोर से बोला बच्चे, क्या ऐसी कटरी ऐसी कट रही, पुराने फटे कड़कों में कट रही है? नहीं, आज का कट रही नहीं, आज के बाद में होगा सफल भाई, सफल भाई। क्या सफल भाई? हम आपको बताएंगे। कट रही नहीं, सफल भाई। हमारे जीवन सफल भाई, हमारे श्वास सफल भाई, हमारा धन सफल भाई, हमारा समय सफल भाई। फिर क्या करते हैं? कुछ दुकान को फेल कर देंगे, कहें भैया बादाम खा लो, कि भैया पचते नहीं है, कि भैया मौसम का जूस पी लो, कि भैया तरी कर जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होता है? दुख भरी बातें याद आती है, पुरुष तो पुरुष मेला ही नशा करती जान लगना। देख लो आपके पड़ोस में होंगे मंजन करेगी, गुटखा खाएंगी और साइड में कभी कभी और शाम को कभी कभी 10% महिला हाल धरती पर है, 90% ये नशा हर एक व्यक्ति के मुंह में चला गया है, हर तीसरे व्यक्ति के पास नशा है। किसी को बीड़ी का, तम्बाकू का, गुटखा का, शराब का, पीर का, चरस का, गांजा का, भांग का, ये सब नशे हैं। ये हम बहुत ध्यान से सुने, ये हम कोई अपने फायदे के लिए आपके पास नहीं आए हैं। दुनिया में लोग आपके पास आएंगे, कोई वोट मांगेगा, कोई नोट मांगेगा। एक हम ब्रह्मा कुमारी वाले ही ऐसे हैं जो कहते हैं आप अपनी खोट छोड़ जाइए, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हम केवल देते हैं, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। और भगवान जो परम पिता परमात्मा जो परम शक्ति है, वो जो हमें पढ़ाई पढ़ाता है, वो हमें देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है, इसलिए हम केवल देते ही देते हैं, लेते नहीं हैं। तो ऐसे कोई डर भय नहीं है कि हम आपसे कुछ लेने आए हैं। ये आपके परिवारों में घुस के आपका ही जीवन नष्ट कर रहा है, आपके ही जीवन की सुख शांति छीन रहा है। शपथ ले आते समाज में, ले आते शपथ, ऐसी शपथों से फायदा नहीं है। जब तक हम अपने मन और विचारों से शपथ नहीं लेते, हम हमसे कोई करवा नहीं सकता, हमसे कोई रुकवा नहीं सकता। उसके उसके जो भी है हमें है, पुरोधा है तो, निर्माता है तो, सब कुछ है तो हमें है। धन्यवाद। बहुत खुश हुए हमारे गांव में, अच्छी अच्छी बातें बताई गई, हम ऐसी बातें रोज सुनेंगे, हम कभी भी गुटखा नहीं खाएंगे, तम्बाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, हम राजा बच्चे बनेंगे, अपने गांव को नशे से मुक्त करेंगे। विद्यालय पब्लिक स्कूल में व्यसन मुक्त अभियान के अंतर्गत उससे होने वाली हानियां
उससे कैसे बचा जाए, बच्चों को कैसे बचा जाए, बच्चों के अभिभावक जो कुछ नशा करते हैं उनको कैसे मुक्ति दिलाई जाए, उनसे कैसे ये निवेदन किया जाए कि वो नशा न करें, या करते हैं तो कम से कम कम करें, आज नहीं तो कल छोड़े, कैसे छोड़े, इस विषय पर चर्चा की। मैं पूरे विद्यालय के परिवार की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पर। और आज क्या इससे पहले भी आपने कई समस्याओं से हम सबको रूबरू कराया है, बताया है, और उसे कैसे बचाया जाए, ये संदर्भ में इस विद्यालय में, साथ साथ अन्य विद्यालयों में, साथ साथ इस नगर में और हर जगह लगभग आप एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि बिल्कुल जब तक हमारा भारत व्यसन मुक्त नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने अभी चित्रों के माध्यम से बताया कि अगर एक व्यक्ति नशा करता है तो वो कैसे कैसे करता है, उसका कोई विश्वास नहीं करता, उसका भरोसा नहीं रहता, उस पर अपना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो आदमी अपनी पावर को किस तरह ले जाएगा, क्या कर सकता है, उसको चीज होगी। ऐसे सड़ा फल कोई दे तो आप कहोगे देखा नहीं क्या काट के लिया, सड़ा हुआ दे दिया, ठीक है फेंक दोगे, और उस फेंकी हुई चीज को भी वो पैसा कमा लेते हैं, बताइए। अब सड़ी हुई चीज जब इस शरीर में जाएगी तो इस शरीर को भी क्या करेगी, बदबू फैलाएगी ना, तो बदबू ही फैलती है। और शराब व्यक्ति पी के इतना उसका मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है कि वो नाली में पड़ा दिखाई देता है, है ना। और तो और कुत्ता भी उसकी वैल्यू नहीं करते हो। अंकल जी आप बहुत अच्छे हैं, मम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं, भैया जी आप बहुत अच्छे हैं, पापा जी आप बहुत अच्छे हैं। हमें यहाँ पे कोई संबंधी लेट आता है, भैया ताऊ चाचा काका, तो वो नशा करके आना ध्यान रखना, और सुबह लेट चलता है वो बीमार जैसा हो जाता है, फिर पैसे ज्यादा मांगता, झूठ बोलता है, चोरी करता है, झगड़ा करता है, मारा करता है, उसका शरीर ऐसा हो जाता है, ध्यान रखना। नशा करने वाले का शरीर काला पड़ जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, और जिंदगी कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद पीछे राम नाम सत्य हो जाती है, बड़ा मजा ले आया। नहीं करेंगे हम कभी भी, कोई भी नशा नहीं करेंगे, आज से हम पक्का करते हैं। आज हमें हमारे विद्यालय में अच्छी अच्छी बातें बताई गई और हम सभा के लिए इन बातों को जीवन में लाएंगे। हम सदा सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबसे मीठा बोलेंगे, किसी से गुस्सा नहीं करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, सुबह नहाकर स्कूल में आएंगे, हाथ तीन बार नाखून काट के आएंगे, सर को नमन करेंगे, मम्मी पापा को नमन करेंगे, धीमे बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। सम्मानीय बुजुर्ग जन, और इस अभियान को लेकर आए हमारी आदरणीय बहन जी पूनम बहन सुखाबाद से, और इस अभियान में चल रहे हमारे साथी बुजुर्ग जन, और इस सभा में बैठे हुए मेरे अनेकों जन्मों के, अनेकों जन्मों के भक्ति में स्रोत होने वाले, और ऐसे सभी हमारे महाराज के बीच में इस सुंदर पावन भूमि पर आप सभी अपना तन मन धन लगा रहे, समय श्वास लगा रहे, ठंडा न बरसात देख रहे, मैं आप सभी का अभिवादन सम्मान नमस्ते करते हुए आप सभी को मेरी नमस्ते, ओम शांति। अब बात आती है, अभी भाई जी बहुत एक बात कह रहे थे कि भाई जी ने बहुत भक्ति की है। देखो जो सच्चा भक्त होता है वो मंदिर पे मिलता है, सही बात। और मेरा लड़का स्वयं शराब का शिकार बन गया, और आज
मेरा घर, मैं स्वयं इतना त्रस्त हूं कि मैं चलने फिरने में भी दूंगा। भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, ये मेरे बच्चे खड़े हुए हैं, मेरे इनमें से बहुत से भाई की उम्र के हैं और बहुत से बेटे की उम्र के हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, कभी आप शराब पीते हो तो आज ये कसम खा के जाना, हाथ मत लगाना, नहीं बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद, ऐसे बर्बाद हो गए, रोने वाले पैदा नहीं हो। मैं बहुत दुखी प्राणी हूं, बहुत दुखी प्राणी हूं, आपका भाई हूं, आपके पड़ोस का हूं, फरीदा का रहने वाला हूं, कहीं दूर का रहने वाला मैं नहीं हूं। मार साहब जानते हैं मुझे खूब अच्छी तरह से, यहाँ परिवार साहब भी आदरणीय बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, मेरे सब परिचित हैं, मैं कहीं बाहर का आदमी नहीं हूं, न किसी का एजेंट हूं। आप ये सोच रहे हो किसी का एजेंट हूं, मैं किसी का एजेंट भी नहीं, मैं आपके बीच में से ही हूं। लेकिन मेरे ऊपर जो गुजरी है, मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ, 8.5 लाख रुपए खर्च करके 1.5 महीने में पुष्पांजलि से उसकी जान बचा के लाया। फिर मेरा लड़का शराब पी करके छत पे से गिरा, कमर टूटी उसकी, फिर ले जाकर के मैंने 4 लाख रुपए खर्च करके और फिर आगरा से उसके सरिया डलवा करके 1 महीने के बाद फिर उसको लौटा के लाया। मैंने कष्ट झेला, कितना कष्ट झेला ये मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है, ईश्वर जाने, मेरी फाइल ही जाने कहाँ गायब हो गई है। और आपको क्या कहूँ, मेरी फाइल उठ जाती, दस्तखत हो जाते, मैं चला जाता, मेरे जाने सारे सब मर जाते। मैं आपसे कहता हूँ, आपको ये कह रहा हूँ, मेरे मित्रों, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आपके पैर पकड़ के कह रहा हूँ, आज के बाद कभी आज से इसी घड़ी से शराब नाम की चीज को हाथ मत लगाना। नशों को दूर करेंगे, अपने बच्चों को नशे से दूर रखेंगे, अपने को दूर रखेंगे, अपने विद्यालय से नशे को छुड़ाकर रहेंगे, अपने गांव में सबको नशा मुक्त बनाएंगे, अपने शहर को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे, अपने देश को सदा नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेंगे। हमारा देश महान देश है, महान बनेगा, मुझे महान बनने में सदा सहयोग देना है। ओम शांति, ओम शांति, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत, मेरा भारत, अमर भारत, मेरा भारत, अमर भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। इस पर थोड़ा देख ले कि पहले नारी जो है घर में बड़ी शांत प्रिय रहती थी और भाई लोग जितना खर्चा उनको देते थे ना, उनके खर्च के लिए उनको पैसा दे दिया और 1 महीने बाद जब उनका खर्च खत्म हो गए तो वो कहते थी कि अब ला, जब खर्च हो जाता तब कहती थी, क्या कहती थी, अब ला पैसा, अब ला। जो व्यक्ति एक सिगरेट पीता है उसकी आयु 1 मिनट कम, 6 मिनट कम हो जाती है एक सिगरेट के साथ में, और उसने 10 सिगरेट पिया तो 1 घंटा चला जाता है, तो उस सिगरेट पीने वाले क्या हो जाता है, ऐसा पिंजर बन जाएगा, ध्यान रखना। और सिगरेट पीने वाले को कैंसर होता है और 1 दिन में 3000 से 4000 तक लोग मरते हैं कैंसर से। उसमें क्या डाला जाता है, कीटनाशक दवाइयां, और ये क्या है, निकोटीन, निकोटीन तंबाकू के अंदर। धूम्रपान नहीं करेंगे, आज से बीड़ी पीना बंद, गुटखा खाना बंद, तंबाकू खाना बंद, सिगरेट पीना बंद, अंडे खाना बंद। शोकेस है, देख लो, ऐसा नहीं है कि ये पहले से थे, मेरे इन्हीं दांतों से मैंने 75 किलो वजन उठाया। हाँ, तो दिन भर में कम से कम 50 पुड़िया तंबाकू की डेली,
जब इन्हें पेशवा में नहीं पढ़ा था, जब अभी अभी तो नहीं, अब तो नहीं उठे ना। हाँ, मगर जैसे आप लोगों के दांत है बढ़िया तरीके से, वैसे ही मेरे थे और मुझे बहुत ऐसा शौक था। नहीं नहीं, फिर ऐसे चक्कर पड़ गया कि लोगों के यार वासी में रोजाना शराब का सेवन, गुटखा, बीड़ी, सब कुछ। मगर धन्यवाद देता हूँ बहनों का जो मुझे मौका मिला यहाँ पे आने का। तो यहाँ आने के बाद जो है आज 7 साल हो गए, 7 साल में जितने भी व्यसन थे मेरे अंदर वो सब छूट गए। दिल से दिल पर हाथ रखकर कहते हैं हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, हम कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, हम कभी भी तंबाकू नहीं खाएंगे, हम कभी भी बीड़ी नहीं पियेंगे,